स्टोमक की डिमोस्ट्रेशन के बारे में। सो दिस इज द थोरैसिक कैविटी वेयर इज द लोकेशन ऑफ लंग्स, दिस इज द एब्डोमिनल कैविटी, बिटवीन द थोरैसिक कैविटी एंड द एब्डोमिनल कैविटी देयर इज अ डायफ्राम। ओके, सो द राइट साइड राइट डोम ऑफ द डायफ्राम, लेफ्ट साइड द लेफ्ट डोम ऑफ द डायफ्राम। इन द डायफ्राम देयर इज अ थ्री मेजर ओपनिंग और द लार्ज ओपनिंग, दीज ओपनिंग आर द ओपनिंग फॉर द इंफीरियर वेना कावा। यू कैन सी दिस इज द ओपनिंग फॉर द इंफीरियर वेना कावा व्हिच इज रनिंग from downwards looping to the right atrium. This is the oesophageal opening. This is the opening for the esophagus. And third opening is the opening for the descending thoracic aorta. So these are the three large opening in the diaphragm. And so this oesophageal opening, this esophagus is connected with the cardiac end of the stomach. So this is the cardiac end of the stomach, which is the cardiac orifice. Okay. So this is the diaphragm. Below to the diaphragm on the right side, this is the right lobe of the liver. This is the left lobe of the liver on the left side, and the most laterally left side there is a stomach. So this is the fundus of the stomach, so below to the diaphragm. So these are the structure related to the diaphragm, and in the liver there is a, you can see there is a greenish structure, this is known as a bile duct. Okay, so this is the bile duct, and the location of the stomach is the upper left, upper part and left side of the abdomen. So this is the location of the stomach. Also you can say this is the epigastric region, this is the left hypochondriac region, this is the umbilical region. So this is the location of the stomach in the abdominal region or the abdominal cavity. Stomach क्या होती है, दो ends या दो orifice, that is the oesophageal, कौन से, cardiac orifice and the pyloric orifice. Cardiac orifice जो ऊपर कौन सी जा रही है, esophagus के साथ continue करती है the cardiac orifice, जिसकी portion मिलेगी L1 वर्टिब्रा के, T11 वर्टिब्रा के लोअर बॉर्डर पे, ये कौन सी, कार्डियक ओरिफाइस, दिस इज द इसोफेगस जो कंटिन्यू करती है यहाँ पे स्टोमक में, सो दिस इज द कार्डियक ओरिफाइस। पाइलोरिक ओरिफाइस आप यहाँ देखोगे, सो दिस इज द मस्कुलर स्फिंक्टर प्रेजेंट होती है, ये कार्डियक ओरिफाइस पे एक मस्कुलर स्फिंक्टर प्रेजेंट होती है, इसके बाद जो यहाँ पे ओपनिंग बनता है जो कंटिन्यू हो जाता है ड्यूडेनम में, इसको बोलते हैं हम लोग पाइलोरिक ओरिफाइस। सो कौन सा, दो ओपनिंग, दैट इज अ कार्डियक ओरिफाइस एंड द पाइलोरिक ओरिफाइस। अब यहां देखोगे स्टोमक पे, सो दिस इज द टू बॉर्डर, सो दिस इज द लेसर कर्वेचर और कौन सा, राइट बॉर्डर, जो कनकेविटी है कौन सी है, लेसर कर्वेचर, कौन सी है, ग्रेटर कर्वेचर। ग्रेटर कर्वेचर आप ऐसे देखोगे 5 times बहुत ज्यादा है किसके, लेंथ में, एज कम्पेयर टू द लेसर कर्वेचर ऑफ द स्टोमक। अब लेसर कर्वेचर ऑफ द स्टोमक देखोगे, यहाँ पे मोस्ट डिपेंडेंट पार्ट लोअर पार्ट ऑफ द लेसर कर्वेचर, यहाँ पे एंगल सा बन जाता है, उसको बोलते हैं एंगुलर नोड्स। सो दिस इज द एंगुलर नोड्स ऑन द लेसर कर्वेचर ऑफ द स्टोमक, सो मोस्ट डिपेंडेंट पार्ट ऑफ द स्टोमक और लेसर कर्वेचर। और लेसर कर्वेचर दिस इज द ग्रेटर कर्वेचर, ठीक है ना, जो कन्वेक्सिटी लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा है, कौन सी है, ग्रेटर कर्वेचर ऑफ द स्टोमक या लेफ्ट बॉर्डर। थर्ड होती है सरफेस, सो दिस इज द एंटीरियर सरफेस, जो आगे दिखाई दे कौन सी, एंटीरियर सरफेस, जो पीछे रिफ्लेक्ट कर रहा है दिस इज द पोस्टेरियर सरफेस ऑफ द स्टोमक। ठीक, सो दिस इज द टू सरफेस, टू बॉर्डर एंड टू एंड्स। हम बात करते हैं इसकी पार्ट्स ऑफ द स्टोमक। सो स्टोमक है मेनली टू पार्ट्स, दैट इज अ कार्डियक पार्ट एंड द पाइलोरिक पार्ट। आपने यहां पर देखा था एंगुलर नोच, एंगुलर नोच से एक लाइन ड्रॉ करेंगे नीचे की तरफ अप टू द ग्रेटर कर्वेचर, वो डिफ्रेंशिएट करते हैं कार्डियक पार्ट ऑफ द स्टोमक एंड दिस इज द पाइलोरी पार्ट ऑफ द स्टोमक। जो कार्डियक पार्ट को हम फर्दर टू पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, फंडस एंड द बॉडी ऑफ द स्टोमक। तो यहाँ पे देखा था कार्डियक ओरिफाइस ग्रेटर कर्वेचर के बीच में यहाँ पे एक नोच बन जाता है, उसको बोलते हैं कार्डियक नोच। कार्डियक नोच से एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम ड्रॉ करेंगे टुवर्ड द ग्रेटर कर्वेचर, इसके अपर वाला जो पार्ट है, ए वाला पार्ट, इस पार्ट को बोलते हैं हम लोग फंडस ऑफ द स्टोमक। सो दिस इज द फंडस ऑफ द स्टोमक, जो मेनली इसमें गैस प्रेजेंट होती है। सेकेंड है जो फंडस, जो हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये कौन सी, यहाँ पे जो एंगुलर नोड्स जो पाइलोरिक पार्ट के बीच में, ये वाला जो लार्ज एरिया है, इसको बोलते हैं बॉडी ऑफ द स्टोमक। सो दिस इज द बॉडी ऑफ द स्टोमक एंड दिस इज द पाइलोरिक पार्ट। पाइलोरिक पार्ट 7 centimeters इस लेंथ होती है, इसके 5 centimeters आप राइट साइड में जाओगे, यहाँ पे एक इनकंस्टेंट मस्कुलर रीज मिलेगी, जैसे यहाँ पे इनकंस्टेंट मस्कुलर रीज मिलेगी, उसको बोलते हैं हम लोग सल्कस टर्मिनालिस या सल्कस इंटरमीडियस, ठीक है ना। इसके बाद को जो स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं पाइलोरिक कैनाल, और पाइलोरिक कैनाल के जो ओपनिंग होती है वहां पे होती है पाइलोरिक स्फिंक्टर प्रेजेंट होती है, जो पाइलोरिक स्फिंक्टर सिर्फ पाइलोरिक ओरिफाइस में मिलेगा,
और एनाटोमिकली यहाँ मिलेगा, एनाटोमिकली कार्डियक ओरिफाइस में नहीं मिलती है, देयर इज ओनली फिजियोलॉजिकली स्फिंक्टर इज प्रेजेंट इन द कार्डियक ओरिफाइस। नाउ द रिलेशंस, देयर आर टू रिलेशन, पेरिटोनियल रिलेशंस एंड द डिस्टल रिलेशंस। सो यू नो ये सब देख रहे, आप देख रहे हो पेरिटोनियम, दिस इज द फोल्ड्स ऑफ पेरिटोनियम, ठीक है ना। द एंटीरियर सरफेस और पोस्टीरियर सरफेस जो एब्डोमेन के, इंट्रा पेरिटोनियल ऑर्गन, एंटीरियर सरफेस पोस्टीरियर सरफेस दोनों पे क्या होती है, पेरिटोनियम प्रेजेंट होती है। जो पेरिटोनियम एंटीरियर सरफेस और पोस्टीरियर सरफेस जो लेसर कर्वेचर के साथ बॉर्डर पे फ्यूज हो जाता है, वो बनाता है लेसर ओमेंटम ऑफ द स्टोमक या पेरिटोनियम। सो दिस इज द लेसर ओमेंटम की अटैचमेंट कहां होगी, यहां पे लेसर कर्वेचर पे होगी, अलोंग विद द पाइलोरिक एंट्रम, अलोंग विद द पाइलोरिक एंट्रम, ठीक है ना। तो कौन सी, या पाइलोरिक पार्ट ऑफ स्टोमक, तो कौन सी है, लेसर कर्वेचर की अटैचमेंट, या लेसर ओमेंटम ऑन द लेसर कर्वेचर। फिर ये देखोगे पीछे की तरफ जो एंटीरियर सरफेस और पोस्टीरियर सरफेस की पेरिटोनियम अलोंग विद द ग्रेटर कर्वेचर ऑफ द स्टोमक फ्यूज हो जाएगी, वो बनाएगी फर्स्ट लेयर और सेकेंड लेयर दोनों फ्यूज जाती है, तो बनाती कौन सा, यहाँ पे ग्रेटर ओम। नाउ द रिलेशन ऑफ द स्टोमक, उससे पहले हम एक इमेज बनाते हैं यहाँ पे, ये कौन सा डायफ्राम था, ये लीवर था। सो दिस इज द रिब केज, ठीक है ना, एंड दिस इज द मसल ऑफ द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, ओके, दिस इज द मसल ऑफ द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे एंटीरियर रिलेशन, दैट इज द विस्ट्रल रिलेशन ऑफ द स्टोमक। तो सबसे पहले हम रिब्स देखते हैं, रिब्स को रिमूव करेंगे, उसके बाद कौन सा मिलेगा, रिब्स के साथ साथ ही मसल्स, जैसे मसल ऑफ द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। देन द लेफ्ट साइड इज द डायफ्राम, सो दिस इज द डायफ्राम एंड लेफ्ट लोब ऑफ द लीवर, ठीक है ना, जो लीवर से देख रहे हैं पे लेफ्ट लोब ऑफ द लीवर, ये कौन सी है, एंटीरियर रिलेशन ऑफ द स्टोमक, ठीक है ना। नीचे कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे रिब केज आ जाएगी और क्या आ जाएगी, मसल ऑफ द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। सो दिस इज द एंटीरियर रिलेशन। हम बात करते हैं पोस्टीरियर रिलेशन ऑफ द स्टोमक, पोस्टीरियर रिलेशन ऑफ द स्टोमक हमने देखा यहाँ पे पोस्टीरियर के नीचे, दैट इज द असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलोन एंड यहाँ पर आएगी कौन सा, हेपेटिक फ्लेक्जर, देन द ट्रांसवर्स कोलोन फ्रॉम द स्प्लीनिक फ्लेक्जर एंड देन द डिसेंडिंग कोलोन। यहाँ पे देख सकते हो, देखते हैं दिस इज द ट्रांसवर्स मेजो कोलोन, जो स्टोमक के साथ साथ यहाँ पे देखोगे ये अपना कौन सा ट्रांसवर्स कोलोन, उसके साथ जो अटैच है, दिस इज द ट्रांसवर्स मेजो कोलोन। सो दिस इज द ट्रांसवर्स मेजो कोलोन एंड द ट्रांसवर्स कोलोन, सो दिस इज द पोस्टीरियर रिलेशन ऑफ द स्टोमक, दिस इज द ट्रांसवर्स मेजो कोलोन एंड द ट्रांसवर्स कोलोन। फिर आप नीचे जाओगे इसके जस्ट पीछे ऑन द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द एब्डोमेन में, तो भी मिलेगा आपको पेनक्रियाज, सो दिस इज द पेनक्रियाज, दिस इज द हेड ऑफ द पेनक्रियाज इन द सी शेप ऑफ द ड्यूडेनम, दिस इज द बॉडी ऑफ द पेनक्रियाज एंड दिस इज द टेल ऑफ द पेनक्रियाज व्हिच इज प्रेजेंट इन द हाइलम ऑफ द स्प्लीन, ठीक है ना। तो कौन सी, यहाँ पे पेनक्रियाज, पेनक्रियाज के अपर बॉर्डर पे आपको मिलेगा स्प्लीनिक आर्टरी, ठीक है ना। सो दिस इज द स्प्लीनिक आर्टरी, टर्सस इन कोर्स, सो दिस इज द स्प्लीनिक आर्टरी, सो रिलेशन ऑफ द स्टोमक और पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द स्टोमक। फिर आप यहाँ देखोगे, ऐसे मैं उठा के देखूं यहाँ पे, तो इस साइड में आपको देखा स्प्लीन, सो दिस इज द स्प्लीन, ठीक है ना। ये क्या होती है, आपने पढ़ा होगा स्प्लीन के बारे में, इट्स रिप्रेजेंट द फंडस एंड द डायफ्राम, सो दिस इज द स्प्लीन, ठीक है ना। और स्प्लीन की जो रीनल सरफेस होती है, जहां पे अटैचमेंट रिलेशन होती है उसकी लेफ्ट किडनी की, सो एंटीरियर सरफेस ऑफ द लेफ्ट किडनी और द लेफ्ट किडनी, यहाँ अपना दिख नहीं रहा है, सो दिस इज द लेफ्ट किडनी एंड द लेफ्ट किडनी, लेफ्ट सुपरा रीनल ग्लैंड इज प्रेजेंट, सो दिस इज द पोस्टीरियर रिलेशन ऑफ द स्टोमक, ऑल्सो नोन एज अ स्टोमक बेड। फिर एक बार देख लेते हैं, ये कौन सा है, मेजो कोलन, दैट इज अ ट्रांसवर्स मेजो कोलन, ये कौन सी है, यहाँ पे ट्रांसवर्स कोलन, ठीक। फिर कौन सी है, पेनक्रियाज, दैट इज अ हेड ऑफ पेनक्रियाज एंड टेल ऑफ पेनक्रियाज। फिर यहाँ पे कौन सी है, स्प्लीनिक आर्टरी, ए वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, ये कौन सी है, स्प्लीनिक आर्टरी, जो अपर बॉर्डर के साथ पेनक्रियाज का अपर बॉर्डर साथ रन कर रही है, कौन सी है, स्प्लीनिक आर्टरी। उसके नीचे जाओगे आपको, दिस इज द लेफ्ट किडनी, ठीक है ना, इस बॉडी तो लेफ्ट किडनी नीचे चला गया है, सो दिस इज द लेफ्ट किडनी, ऑन द अपर पोल ऑफ लेफ्ट किडनी लेफ्ट सुपरा रीनल ग्लैंड, सो दिस इज द पोस्टीरियर रिलेशन एंड और द स्टोमक बेड ऑफ द स्टोमक। सो दिस इज ऑल अबाउट द डेमोंस्ट्रेशन क्लास ऑन द स्टोमक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।